स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर। सो एज इन दिस वीडियो टू डी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक द कबीर द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ आर एन टैगोर। सो आज के इस वीडियो में हम कबीर की द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ आर एन टैगोर को डिस्कस करेंगे। यू कैन सी हियर ऑन व्हाइट बोर्ड दिस इज गिवन इन यूनिट 4 पोइट्री। पोइट्री में कबीर द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ आर एन टैगोर ओके इनको डिस्कस करेंगे। इनके वर्क्स को कबीरदास ने राइट कर रखे हैं और उसको ट्रांसलेट करा है आर एन टैगोर ने। लास्ट वीडियो में हम कबीरदास की बायोग्राफी को स्टडी कर चुके हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पे आपको जाना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है बीए पार्ट 2 सेमेस्टर 4, तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूनिट 1, 2, 3 सभी के ओके। एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, एज यू ऑल नो सभी के लिए कॉमन सिलेबस है। चाहे आप वीवीएस यू से हो, एमजीकेवीपी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, सीसीएसयू, आरएम, पीएसयू, जेएसयू, बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। इसके अलावा अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है द कबीर, उनके वर्क्स दिए गए हैं, तो भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एंड दिस इज़ फॉर बी ए पार्ट 2 सेमेस्टर 4 एंड योर पेपर नेम इज़ इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। ये आपके पेपर का नाम है एंड इसमें यूनिट 4 में पोइट्री में कबीर के बारे में डिस्कस करने हैं ओके। सो इनके कुछ वर्क्स दिए गए हैं, कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ वर्क्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उनको हम स्टडी करेंगे, उन लाइन्स को एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे ओके। सो फर्स्ट वर्क इज ओ सर्वेंट वेयर दोस्त दाओ, और इसके अलावा भी कुछ और वर्क्स हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे आगे वीडियो में। सो फर्स्ट वन ओ सर्वेंट वेयर दोस्त दाओ, डैट हिंदी मीनिंग है इसकी मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे। हिंदी में कबीरदास ने राइट करा है, बाद में उसको इंग्लिश में आर एन टैगोर ने राइट कर दिया है। सो लेट्स रीड, पहले लाइन्स रीड करते हैं उसके बाद मीनिंग समझते हैं। सो फर्स्ट लाइन ओ सर्वेंट वेयर दोस्त दाओ सीक मी, लो आई एम बिसाइड दी, आई एम नेदर इन टेम्पल नॉर इन मास्क, आई एम नेदर इन काबा नॉर इन कैलाश, नेदर आई एम इन राइट्स एंड सेरेमनीज नॉर इन योगा एंड रिनाउंसिएशन, इफ दाउ आर्ट ए ट्रू सीकर दाउ शाल्ट एट वन सी मी, दाउ शाल्ट मीट मी इन अ मोमेंट ऑफ टाइम, कबीर सेज ओ साधु गॉड इज द ब्रीथ ऑफ ऑल ब्रीथ। सो इन फर्स्ट लाइन ओ सर्वेंट वेयर दोस्त दाउ, ओ सर्वेंट वेयर दोस्त दाउ सीक मी, कि ओ बंदे ओ सर्वेंट तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, वेयर आर यू सर्चिंग मी। गॉड कह रहे हैं, गॉड बोलता है बंदे से कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, वेयर आर यू सर्चिंग मी, लो आई एम बिसाइड दी, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे हृदय के अंदर हूँ, आई एम नदर इन टेम्पल नॉर इन मास्क, ना ही मैं किसी टेम्पल में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, आई एम नदर इन काबा नॉर इन कैलाश, ना ही मैं किसी काबा में हूँ ना ही किसी कैलाश में हूँ, तो कहाँ हूँ, नदर आई एम इन राइट्स एंड सेरेमनीज नॉर इन योगा एंड रिनाउंसिएशन। एंड ही ऑल्सो सेज, गॉड ये भी कहते हैं कि ना ही मैं किसी रिचुअल सेरेमनीज में हूँ, जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी हिपोक्रिटिकल एक्शंस होते हैं पीपल के थ्रू, उनमें भी मैं नहीं हूँ, ना ही किसी योगा में हूँ, ना ही किसी रिनाउंसिएशन में हूँ। इफ़ दाउ आर्ट ए ट्रू सीकर, अगर तुम सच्चे सीकर हो, मीन्स खोज करता हो, इफ़ यू ट्रू सीकर, तुम सच्चे दिल से खोजना चाहते हो मुझे, दाउ शैल एट वंस सी मी, कि तुम तुरंत ही मुझे देख सकते हो, तुरंत ही मुझे ढूंढ सकते हो, दाउ शाल्ट मीट मी इन अ मोमेंट ऑफ टाइम, तुम एक मोमेंट में ही मुझसे मिल सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। कैसे, कबीर सेज ओ साधु गॉड इज द ब्रीथ ऑफ ऑल ब्रीथ। कबीर कहते हैं ओ साधु, गॉड बोलते हैं कि ओ साधु, ओ बंदे, ओ सर्वेंट, गॉड इज द ब्रीथ ऑफ ऑल ब्रीथ, गॉड तो सभी लिविंग बींग्स के अंदर हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी सांसों में है, उनकी ब्रीथ में है, उनके हृदय में है, तो गॉड कहाँ बसते हैं, हर लिविंग क्रिएचर्स के अंदर हैं। और भी कुछ कबीर ने वर्क्स लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया है, उसको भी रीड करते हैं। व्हाट इज सेकंड पोएट्री, सो इट इज नीडलेस टू आस्क, ये इंग्लिश टाइटल है एंड इसका हिंदी टाइटल है संतन जात न पूछो नित गुणिया, इसे कबीरदास ने राइट करा है। लेट्स सी, रीड करते हैं आर एन टैगोर ने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है। सो इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए संत द कास्ट टू व्हिच ही बिलोंग्स, for the priest, the warrior, the tradesman and all the 36 castes alike are seeking for God. It is but folly to ask what the caste of a sant may be. The barber has sought God, the washerwoman and the carpenter. Even Vedas was a seeker after God. The Rishi Swapcha was a tanner by caste. Hindus and Muslims alike have achieved that end where remains no mark of distinction. So Kabirdas says it is needless to ask of a sant the caste to which he belongs, ki
किसी भी संत से या कोई प्योर हार्ट वाला पर्सन है या कोई जेंटलमैन है उससे उसका कास्ट पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। फॉर द प्राइस्ट, कोई प्राइस्ट हो गया मीन्स पुजारी वगैरह, पुरोहित वगैरह, या कोई सैनिक हो गया, कोई व्यापारी वगैरह हो गया, या और वो सभी पर्सन जो 36 कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो सभी एक समान, लाइक मीन्स यह एक समान, सभी क्या है, एक समान गॉड को प्रे कर रहे हैं, गॉड की शरण में गए हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, कम्युनिटी से बिलोंग करता है, रिलीजन से, सभी एक समान ही अपने सर को झुकाते हैं गॉड की शरण में। ओके, इट इज बट फॉर यू टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ ए संत मे बी। तो ये पूछना एक मूर्खता है किसी भी संत के बारे में, उसे कास्ट के बारे में पूछने के लिए। ये किसी भी पर्सन से उसके कास्ट के बारे में पूछना या इंक्वायरी करना मूर्खता है, फॉली मीन्स फुलिशनेस, कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि सभी एक समान ही गॉड के शरण में जाते हैं। द बार्बर हैज सॉट गॉड, बार्बर वो भी गॉड के शरण में जाता है, वॉशरवुमेन हो गई, कारपेंटर हो गया, इवन रैदास वॉज ए सीकर आफ्टर गॉड, यहाँ तक कि रैदास वो भी गॉड के शरण में जाते हैं, गॉड को सर्च करते हैं। द ऋषि सोपचा वॉज ए टैमेराइट कास्ट, जो ऋषि सोपचा थे, ऋषि सोपचा सोपचा एक ऋषि थे, उनका नाम था सोपचा, वो कास्ट से बहिष्कृत कर दिए गए थे अपने कास्ट से, तो वो भी गॉड की शरण में गए थे। हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक हैव अचीव्ड दैट इन रिमेंस टू मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। लास्ट लाइन में कबीरदास कहते हैं, कबीरदास सेज कि हिंदू और मुस्लिम्स भी एक समान अलाइक दे हैव अचीव्ड दैट इन, कि वो भी गॉड की शरण में जाते हैं और उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, मीन्स कोई भी उनके बीच में भेदभाव नहीं है, मीन्स सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी कम्युनिटी के लोग गॉड के शरण में एक समान अपना सब कुछ उगाते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास ये बोलना चाहते हैं, कबीरदास वॉन्ट्स टू से दैट कि गॉड किसी के बीच में भी कोई डिफरेंसेस नहीं करता है, गॉड के लिए सभी एक समान है। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो सभी बच्चों को एक समान लव करते हैं, सभी ब्रदर्स सिस्टर्स को, उसी तरह गॉड के लिए भी सभी ब्रदर्स सिस्टर्स की तरह से हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, सभी पर्सन गॉड के लिए एक समान है, गॉड किसी के बीच में भी डिफरेंसेस नहीं करते हैं, सभी एक समान ही गॉड की शरण में जाते हैं, अपना सिर झुकाते हैं। भले ही वो सभी लोग अलग अलग कम्युनिटी, रिलीजन और कास्ट से बिलोंग करते हैं, पर सभी क्या है, वो एक हैं, क्रिएटेड हैं गॉड के लिए। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आपकी स्टडी में, आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो। सो आज के इस वीडियो में हमने कबीरदास की 2 पोइट्रीज को डिस्कस किया है, एंड अभी इसमें 4 पोइट्रीज और भी हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, टाइम टू टाइम आप कोई भी वीडियो मिस न करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।